ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास ही ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान भाई डट जा रहे। जब बोलिए क्या होगा भी मेरा टाइम है, एक मिनट या तो इसको उनको बोल दे, मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम बंद करो। ये क्या है? आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरावता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा, अपने अपने टाइम पे बोल लिए, जरावता बैठो, अपने टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ, आप बैठो, जरावता जी बैठो, पाड़ूंगा, डर जा, आपके भेजे तो नब्बे बात में मोनू मानस ने आपके भेजे थी, जरावता जी आप बैठिए, बैठिए जरावता जी, आपके तुम्हारे को, ए जरावता जी बैठ जा चुपचाप, तू बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ, सुन ले तू सुन ले, आपके भेजिए मानस को, बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को, जरावता जी बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो बैठो, आप अभी कोई आप कोई बात आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही, बैठिए आप बैठिए बैठिए, आप जरावता जी बैठिए, आप क्यों खड़े, आप बैठिए बैठो, जरावता जी ऐसे बीच में नहीं खड़े हुए थे, वहां बहन बेटियों को साथ असली हरकत करते हैं, जब गांव वाले विरोध करते हैं फिर आप खड़े हो गए, आपको किसने किसने अलाउ किया आपको? अरे मैं टाइम बंद कर रहा हूं, किसने अलाउ किया? बैठे बैठिए आप, आप मेरे तो मेरे मेरे सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि जीरो ओवर है, अपनी बात मेंबर कह ले, कोई भी बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे, और जो बोलने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी की कोई इस टाइप की बात ना करे जिससे दूसरे के ऊपर टिप्पणी हो बिना मतलब। सर हमने किसी का नाम नहीं लिया, हकीकत है जो बता रहे हैं आपको, डर जा रहे भाई, ओ रुक जा भाई, टाइम शुरू कर दे दो बोलने से पहले, या आप टाइम का मेरे 2 मिनट पहले लगे तो इन्होंने वहां असली सरकार की, वहां लोगों ने विरोध किया तो लोगों के ऊपर पुलिस ने विभिन्न धारा 307 379B के अंदर दिया, और जब गांव वालों ने दरखास्त दी, उन गुंडे जो गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, हद तो तब हो गई 28/1/2023 को, वारिस सनोक फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहु का रहने वाला भिवाड़ी गया जो गाड़ी का काम करता है, उसको मोनू मानेसर एंड टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी ताउलू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा, वहां 2 बार PCR गई, वहां पुलिस वाले गए, किसी ने नहीं बचाया, उसके बाद 7:30 ले जाते हैं उसको उठा के, वीडियो उसकी है मैं आपको दूंगा, जिसमें वो भीख मांगता मुझको छोड़ दो, और बाद में 2 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट में दिखा देते, एक्सीडेंट में मौत हुई है, जब उनके पास ये लड़का था तो एक्सीडेंट कहां हो गया? मैं सरकार से मांग करता हूं एक कमेटी बना के उसके खिलाफ उनके खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया जाए और उनको उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास ही ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। मैं और बताता हूं आपको, उसके बाद इसी टीम ने क्या गाड़ी नहीं दी मैंने इसका? क्या है, कैसे मार रहे हमारे आदमियों को, ये कैसे मार रहे हैं? अब मैं जब बोलता जब हमारे 3 आदमी मरे, मेरा टाइम जरा यार, अब हाँ तो कोई बात नहीं, अब कहने दे, सरकार का बस का तो है नहीं, सरकार ने तो हथियार दे रखे, तो हथियार दे रखे, मारो मेवातियों को भाई, मैं बगला दूर जाओ, आप बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए, बैठ जाओ, नहीं रावत जी बैठिए, आप रावत जी बैठिए, आप बैठिए रावत जी, आप चलो अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कोई वीडियो एविडेंस इनके पास है जिसके अंदर वो अलाइव था जी, और उसके बाद कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ दिखाई जी, सर
हम आईजी रेवाड़ी की अध्यक्षता में इसके ऊपर एक कमेटी बना देंगे, जो अगर आप तथ्य जो हमें देंगे, बिल्कुल तथ्य देंगे सर आपको, उसकी इंक्वायरी करें। थैंक यू सर। ठीक। उसके बाद फिर इन्होंने एक काम और किया, मेरे हरियाणा के साथ लगता हुआ गांव घाटमी का है, जिस इससे पहले अध्यक्ष मोचे फर्जी गौरक्षक हरियाणा पुलिस की मिली भगत से आए दिन बेगुनाह मुसलमानों जवानों को मेवात में अगवा करते हैं, फिर बाद में उनको बेरहमी से मौत के घाट उतारते हैं। कुछ ही दिन पहले गाय के नाम पर पहलू खान को सड़क पर मार गिराया, अकबर खान को मार गिराया, वारिस खान को मार गिराया, अब जुनैद को मार गिराया, अब मान्यवर नासिर और जुनैद को बलेरो कार में सील की बेल्ट से बांध के पेट्रोल छिड़क के भिवानी के जंगलों में ला के मारा है, जो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है कि मेवात वासियों के साथ किस तरह से ले जाके कहां इनको जिंदा जलाया जा रहा है। धन्यवाद।